तो यार जब विराट कोहली ने कहा ना डोंट कॉल मी अ किंग, ओहो दिल पे लगी वो बात, दिल पे लगी। कोहली माने या ना माने यार कोहली किंग है यार, कोहली किंग था और रहेगा। बात आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी तब क्या शोर मचेगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ ओपनिंग सेरेमनी में विराट कोहली ने एंटर होना स्टेडियम में भाई, मेरे ख्याल से भाई वो लोगों ने अंदर आ जाना भाई। कोहली कोहली जब होगा भाई, कोहली नहीं किंग कोहली, किंग कोहली, किंग कोहली। मैं पाकिस्तान का फाइनल मैच छोड़ दूंगा लेकिन मैं कभी विराट कोहली का मैच नहीं छोड़ूंगा। बार बार ना पिक्स एंड वीडियोस आ रही थी क्योंकि मैं विराट को काफी फॉलो करती हूँ वहाँ पर, तो ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं और बड़ा मजे की मतलब लग रही है। हमें बहुत सारे लड़कों को दिखी है पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, बट द थिंग इज उसके ऊपर कुछ अलग ही सूट किया, हैंडसम लग रहा है ना। पूरी दुनिया को पता है कि यार आईपीएल क्या क्लास है यार, जिसके अंदर ही प्लेयर 24-25 करोड़ के बिकते हैं। इतना तो भाई पाकिस्तान का बजट नहीं होता पीएसएल करवाने का जितने का खाली इस बार इन लोगों ने स्टार खरीद लिया कलकत्ता नाइट राइडर्स। अगर विराट कोहली पाकिस्तान में होता तो लोगों ने वोटिंग के थ्रू इसे वजीर आजम बना देना था। आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली, पूरी क्रिकेट की अरेना के अंदर देखें तो जितनी भी लीग्स हो रही है आईपीएल सबसे बड़ा है। और आईपीएल के अंदर देखें बाकी जितने भी फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्टिव प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, या जो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट टीम्स हैं उनके, आपको पाकिस्तान के अंदर वही खेलने आता है क्लार्क हो गया या वो जो वहाँ से मोस्टली रिटायर हो गया होते हैं ना। बिल्कुल मिचेल स्टार्क कभी यहाँ पे खेलने नहीं आएगा जो बेस्ट है बॉलिंग के अंदर। विराट कोहली है सबका किंग है, पूरे क्रिकेट का किंग है। विराट कोहली किंग है, बहुत बड़ा किंग है, किंग है। ये होता डाउन टू अर्थ मैन, ठीक है, उसने कहा मुझे किंग ना कहो, मुझे जस्ट विराट कोहली को, लेकिन विराट कोहली तुम किंग हो, जैसे तुमने पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को वो ओलंपिक्स के अंदर अपना नाम बनवाया ना, तुम्हारी वजह से इन्फ्लुएंस है ना क्रिकेट की, वो तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम किंग हो और हम लोग तुम्हें किंग के नाम से ही बुलाएंगे। जैसे सचिन ओपनिंग सेरेमनी तो पूरे पीएसएल की नहीं हुई भाई, जितनी उन्होंने अपनी टीम की कर दी है, इतनी जबरदस्त सर भाई, मैं तो हैरान परेशान था कि भाई इतना बजट उन्होंने मतलब जस्ट सेरेमनी पे लगा दिया। इधर तो पीएसएल की ऐसी सेरेमनी नहीं थी जिधर उन्होंने अपनी टीम की जस्ट करवाई है। सर स्टेडियम फुल थे वहां पे, चिन्नी स्टार भी स्टेडियम भरा पड़ा था। बिल्कुल विराट कोहली इस बार आईपीएल तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी दुआएं तुम्हारी साथ है, इंशाल्लाह इस बार आईपीएल तुम्हारा है। स्मृति की अगर मैं बात करूं तो आई वांट टू सैल्यूट स्मृति की, उसने फीमेल्स की टीम में जो है वो इतना अच्छा लीड किया है, मतलब मजा आ गया वल्ला कमाल के। हाँ वो आज मुझे एक याद आ रहा था दंगल मूवी वाला के छोरा ही सिर्फ नहीं गोल्ड ला सकता, छोरी भी गोल्ड ला सकती है, तो उसने वो साबित किया। आई वॉज वेरी हैप्पी। और अगर बात की जाए विराट की तो उसके लिए तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। बापू का बाप आईपीएल आ चुका है और आईपीएल की जितनी बात पाकिस्तान में हो रही है लिटरली एज अ पाकिस्तानी फैन या एज अ पाकिस्तानी इतनी बात पीएसएल की तो हो ही नहीं थी रही। हर कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है, मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को यह भी पता चला होगा कि असली बाप आप आया है, असली दो बाप आप आए हैं, एक तो वो आया ना पीछे और एक आईपीएल आया है। आईपीएल आया तो इनको पता चला है कि असल में क्रिकेट कहते हैं किसको है, ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैन थे इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते हैं किसको है। सब घंटू ने कल देखा होगा कि कल जब आरसीबी की जर्सी लॉन्च की गई है, जब जो है वो आईपीएल की आरसीबी की कल जब जर्सी लॉन्च की गई है ना, इतना क्राउड उधर आया हुआ था, इतना पूरे पीएसएल का मिला लो तो नहीं बनता। मेरे छनकनो अब आओ ना मुझे बताओ मेरे घंटे के फैंस, ये पीली चप्पल चुप्पल सोनू पोनू लोनू लोनू, अब बताना अब बता, जितने कल आरसीबी की जर्सी लॉन्च पे क्राउड आया हुआ था ना, इतना मुझे पूरे पीएसएल का मिला के बता दे। और अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ बताने लगा हूं ना आईपीएल और पीएसएल का, पुत्र आपका दूध का दूध नहीं, सिर्फ दूध लादा हो जाएगा और पानी लादा हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि पीएसएल की औकात क्या है और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है, ये आपको भी पता चल जाएगी। सबसे पहले तो मेरा दिल है मैं आपको वो बता लूं, फिर जाओ पीएसएल का घंटा हो जाते हैं पकड़ के। अब मैं आपको बता दूं, देखो मैं बड़ा ना ये चीज ले गया हूं सर, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की वो सबसे बड़ी लीग है। उससे देखो मेरे ये अल्फाज होते हैं कि यार अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा, आईपीएल को टक्कर देने वाला कोई नहीं आएगा। ये बात मैं करता हूं ना, अब इसको मैं प्रूफ के साथ करता हूं, आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है ना, आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो पता कितनी है, कितनी है, 88 करोड़ ब्रांड वैल्यू है आईपीएल की, आईपीएल की 88 करोड़ ब्रांड वैल्यू है, एक सीजन की बता रहा हूं, एक सीजन की ब्रांड वैल्यू, सिर्फ ब्रांड वैल्यू, बाकी साइड पे कर दो चीजें, सिर्फ ब्रांड वैल्यू, ठीक है।
और दूसरे नंबर पे आ जाती है जो है वो जो WPL, उसके बाद फिर आ जाती है साउथ अफ्रीका की लीग, उसके बाद आ जाती है CPL और सर पांचवें नंबर पे आती है PSL। PSL की ब्रांड वैल्यू पता है कितनी है? 2400 करोड़। यार आरसीबी की किट रिवील हुई है जिसके दौरान विराट कोहली को किंग बोला गया, कोहली ने बोला यार डोंट कॉल मी ए किंग, मैं तो एंबैरस फील करता हूं। आपके क्या जज्बात है यार? भाई हम तो कहेंगे किंग, विराट कोहली इज किंग, किंग है कोहली, जो मर्जी हो जाए विराट कोहली किंग है, किंग रहेगा, किंग है वो, किंग है वो। अगर कह देना कि मैं किंग नहीं हूं, हम फिर भी किंग कहेंगे। क्या कोई माने ना माने विराट कोहली किंग है, किंग है विराट कोहली, जो कोई ना। पहली बात तो यार जो विराट कोहली ने कहा ना डोंट कॉल मी ए किंग, ओहो दिल पे लगी वो बात, दिल पे लगी। कोहली माने या ना माने यार कोहली किंग है, यार कोहली किंग था और रहेगा। बात रिवील कर रहा है अपनी किट को, ठीक है, क्राउड देखो, क्राउड का शोर, वो किंग सारे बोल रहे हैं यार। चाहे यही स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट होता है, जो अलग इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग, इतना आउटस्टैंडिंग एग्रेशन, इतना आउटस्टैंडिंग कूल और माइंड होके यार जब पिच पे आता है यार, वो वाकई किंग है। वो ना भी कहेगा ना तो हम लोगों ने कहने किंग है, विराट कोहली किंग, ठीक है ना। मैं तो विराट कोहली नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ यार किंग आ गया, और किंग कोहली आ गया, ठीक है। जब ये खेलने आता है यकीन मानो कि इंडिया का कोई मैच, अब ये IPL के कोई भी, RCB का कोई मैच हो ना, तो मैं नहीं छोड़ता होता कि यार विराट कोहली खेल रहा है, यार किंग खेल रहा है, यार उसकी बैटिंग देखने के लिए ना यकीन मानो मैं तरस रहा होता हूँ कि यार ये बंदा बैटिंग खेले और आउटस्टैंडिंग खेले, 10 भी करे, 20 भी करे, 50 भी करे, 50 कर ले, 100 कर ले, वो अलग बात है। विराट कोहली जैसा बैट्समैन भाई यार, यानी कि ना हिस्ट्री में कभी कभी एक बार ही आया और ये इस बार ही आया है, ऐसा बैट्समैन कभी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे वो खेलते हैं, जैसे वो प्रेशर को हैंडल करता है, जैसे वो यानी कि यार उसका जो है ना माइंडसेट, उसका बस माइंडसेट है कि अगर मेरी टीम मुश्किल में आए ना हो, मैंने जाके करना है। उसकी टीम मुश्किल में हो ना हो, उसने सेंचुरी मानी मानी। यार कभी कोई ऐसा प्लेयर आया कि जब वो फील्ड में आए तो हर बंदा उसे सेंचुरी एक्सपेक्ट करे? नहीं, बस विराट कोहली है, क्योंकि जब भी विराट कोहली आता है लोगों को लगेगा सेंचुरी मार, सेंचुरी मारेगा, और वो सेंचुरी मारता है। पाकिस्तान के PSL देखे हैं, किसी ना काम के गए हैं। जब इंडिया में मैच हो रहा होता है ना इंडिया का, मैं इंडिया का मैच लास्ट में देखता हूँ और विराट कोहली की बैटिंग देखता हूँ बस, बाकी मैच देखने का फायदा नहीं, क्योंकि विराट कोहली किंग है, उसका मैच हमने देखना है, ठीक है। जब उसका जो वो कर रहा था किट रिवील, ठीक है, तो तब कितना क्राउड था, कितना रश था, कोई बोलने नहीं दे रहा, तो वो बेचारा उसने कह नहीं था कि अब मैं क्या करूँ यार, इतना क्राउड। मैं पाकिस्तान का फाइनल मैच छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी विराट कोहली का मैच नहीं छोड़ूंगा। मैं 18 साल की उम्र, मैंने कभी अपना विराट कोहली का मैच नहीं छोड़ा। मैं विराट कोहली का मैच देखते देखता हूँ, क्योंकि भाई मेरी इंस्पिरेशन है वो, मेरा आइडियल है वो विराट कोहली। तो विराट कोहली तो जरा फैमिली रीजन की वजह से जरा मैच नहीं खेला, टेस्ट मैच मैंने बड़े अरसे बाद उसको टीवी पे देखा, यार दिल खुश हो गया यार, यार लव है यार विराट कोहली, पता नहीं क्यों यार उसकी बैटिंग ही नहीं मान यार, अपनापन फील होता है विराट कोहली को देख के यार। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो है RCB का अनबॉक्सिंग इवेंट कराया गया, वहां पे बहुत ही बड़े नामों ने परफॉर्म किया, बहुत ही बड़ा इवेंट कराया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? यार बिल्कुल, जब मैंने देखा ना कि एलन वॉल्कर वहां पर आके RCB के अनबॉक्सिंग के ऊपर आगे इवेंट के आके वो गाना गा रहा है, इतना PSL में यार मजा नहीं आया कि PSL की ओपनिंग में मजा नहीं आया कि जितना RCB की ओपनिंग में यार, इतना बड़ा इवेंट करवा दिया उन्होंने। PSL का छोटा सा इवेंट हुआ लेकिन RCB ने इतना बड़ा इवेंट करवा दिया, एक सिर्फ टीम का ही इवेंट था, अभी तो IPL का इवेंट आना है, वहां पर पता नहीं क्या क्या इंडिया के डांसर होंगे, सिंगर्स होंगे बिल्कुल, और उसके अलावा बड़े से बड़े सिंगर्स को भाई से बुला के उन्होंने करवाना यार। दोस्तों IPL 2024 की शुरुआत हो ही गई है और 22 मार्च को सीजन के पहले मैच में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर और MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग आमने सामने होगी। लेकिन इससे पहले RCB ने अपनी नई जर्सी को लॉन्च किया है। पिछले सीजन के मुकाबले बात की जाए तो RCB की जर्सी पहले की तरह लाल है, लेकिन इस टी शर्ट के ऊपरी हिस्से पर काले के बजाय डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। RCB की जर्सी लॉन्च होने के समारोह में नॉर्वे के संगीतकार एलन वॉकर भी पहुंचे, जिन्हें विराट कोहली और RCB के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने एलन वॉकर के नाम से छपी RCB की टी शर्ट उन्हें भेंट की। इस बार भी RCB का टाइटल स्पॉन्सर कतर एयरवेज ही होगा। विराट कोहली ने जर्सी के लॉन्च होने से पहले महिला RCB टीम की कप्तान स्मृति मंधाना को स्टेज पर बुलाया। स्मृति ने कुछ दिन पहले ही RCB फ्रेंचाइजी को अपनी कप्तानी में पहली बार चैंपियन बनाया है। उनकी टीम ने WPL 2024 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हरा दिया था।